ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो तह तक। जून 1947 का दौर, जब न केवल ब्रिटिश भारत छोड़ रहे थे बल्कि भारत में भी नई व्यवस्था तैयार हो रही थी। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की अनुमति दी। तत्कालीन महाराज हरि सिंह जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ना नहीं चाहते थे। महाराजा को अब भारत में अंग्रेजों से नहीं बल्कि पंडित नेहरू के साथ संबंध जोड़ना था और उनकी छत्रछाया में रहना था। दूसरी तरफ नेहरू महाराजा के फैसले लेने के अख्तियार पर ही सवाल उठा रहे थे। उनके नजर में शेख अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के भविष्य का फैसला कर सकते थे, जिन्हें महाराजा हरि सिंह ने जेल में बंद कर रखा था। आजादी के बाद से ही पाक हमले की फिराक में था। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला करने की फिराक में था। पाकिस्तानी हमले की रूपरेखा से जुड़ा एक पत्र संयोगवश मेजर ओएस कल्लत के हाथ लग गया। उस समय वह पाकिस्तान इलाके बन्नू में थे। उन्होंने तुरंत भारत आकर आगाह किया। यह जानकर पटेल और तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह घुसपैठियों से निपटने के लिए पाक से लगी जम्मू कश्मीर सीमा पर सेना भेजना चाहते थे, लेकिन नेहरू इसके लिए राजी नहीं हुए। इसे भी राजनीति के जानकार एक बड़ी ऐतिहासिक भूल करार देते हैं, जिसके बाद के वर्षों में भी नेहरू ने कायम रखा। कई हजार पश्तूनों ने बोला धावा। जम्मू कश्मीर में हमला 1947 में जम्मू कश्मीर राज्य बहुत विविध था। जम्मू कश्मीर घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र, एक ऐसे ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था जिसमें अफगान, तुर्क और अरब की आबादी थी। जनसंख्या 97% मुस्लिम थी और शेष 3% हिंदू। 1947 में पूंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। इस विद्रोह के पीछे का कारण क्षेत्र में किसानों पर हरि सिंह द्वारा दंडात्मक कर था। 21 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के कई हजार पश्तून आदिवासियों ने जम्मू कश्मीर को महाराजा के शासन से मुक्त कराने के लिए घुसपैठ की। महाराजा के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोही आधुनिक हथियारों से लैस थे और 24 अक्टूबर 1947 को उन्होंने लगभग पूरे पूंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से 20 मील उत्तर पश्चिम में पहुंच गए। पाकिस्तान का ऑपरेशन गुलमर्ग। जब परेशान और हताश महाराजा हरि सिंह ने मदद की उम्मीद के साथ फोन किया तो नेहरू ने दिल्ली द्वारा उन्हें बचाने की स्थिति में नहीं होने की बात कही। राज्यबलों के मुस्लिम अधिकारियों ने महाराजा को धोखा दिया। कर्नल नारायण सिंह साबियाल जैसे अधिकारियों को मार डाला गया और दुश्मन को कश्मीर का रास्ता दिखाया गया। मुजाहिदीनों ने बारामूला सेक्टर में तेजी से अपने कदम बढ़ाए और 11,000 से 14,000 निवासियों को मार डाला। भीमबर से मीरपुर तक, कोटली और मुजफ्फराबाद से बारामूला तक हिंदुओं और सिखों का सफाया कर दिया गया। वे केवल लूटपाट करने, घर जलाने, महिलाओं का बलात्कार करने और युवतियों का अपहरण करने के लिए रुके थे। कबायलियों हमला करते वक्त नारा लगाते थे, सिख का सिर, मुसलमान का घर और हिंदू की जड़। यानी पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों को हुक्म दिया था कि उन्हें जम्मू और कश्मीर में जैसे ही कोई सिख दिखाई दे उनका सर काट दिया जाए, जैसे ही कोई भारत समर्थक मुसलमान दिखाई दे उसका घर जला दिया जाए और हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने अस्पतालों और मठों की भिक्षुओं को भी नहीं बख्शा। पहले अपने बच्चों को फेंकने के बाद महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किशन गंगा नदी में छलांग लगा दी थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन। जब सरदार पटेल ने नेहरू की लापरवाही के कारण कश्मीर में खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश की तो भारतीय सैनिकों को श्रीनगर भेज दिया और उन्होंने अपना तेज अभियान शुरू किया। कुछ ही दिनों में सेना ने बारामूला और जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन इससे पहले कि हरि सिंह ने नेहरू की दृढ़ मांग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने भारत से सैन्य सहायता का अनुरोध किया था, जिसने इस शर्त पर सहायता प्रदान की कि महाराजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करना होगा। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया और 3 विषयों यानी रक्षा, विदेश मामलों और संचार का नियंत्रण भारत सरकार को सौंप दिया। भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर में हवाई मार्ग से भेजा गया। भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच नियंत्रण के 2 क्षेत्रों के स्थिर होने के साथ युद्ध शुरू हो गया और पाकिस्तान समर्थित विद्रोहियों द्वारा जीते गए क्षेत्र पाकिस्तान के पास बने रहे, जिसे अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK कहा जाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।